पटना जंक्शन जो है वो सीपीआई मूवी की अगली पेशकश है। इसके पहले उन्होंने बनाया हमारे साथ में मुकामा 0 किलोमीटर जो बन के तैयार है और वो साफ भी करवा पूरी तरह से आने के लिए तैयार है दर्शकों के बीच में। तो वो रिलीज हो उसके पहले ही उन्होंने पटना जंक्शन की घोषणा कर दी है। इसके भी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो संतोष मिश्रा जी हैं। तो जिस तरह से मुकामा 0 किलोमीटर सीपीआई मूवी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत बड़ी फिल्म बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पटना जंक्शन उससे भी बड़ी फिल्म बनेगी, उससे भी अच्छी फिल्म बनेगी। और आज शुभारंभ हुआ है, आप सबका आशीर्वाद प्यार मिले ताकि बिना रुकावट के लिए एक अच्छी फिल्म बन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जब भी संतोष जी के साथ, दिनेश जी के साथ काम करती हूँ तो वो फिल्में हमेशा अच्छी होती है, और ये तीसरी उन दोनों के साथ प्लस साथ में सीपीआई फिल्म, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक और अच्छी फिल्म बनने वाली है, सोच सोच के बहुत खुश हो रही हूँ। मैं संतोष जी ने कुछ अलग लुक सोचा है उन्होंने। इसके पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में हमारे लिए लिखी थी वो एक सीधे साधे युवक की भूमिका उन्होंने बहुत बार मुझे ऐसे किरदार में दिखाया है जो बोला बला लड़का होता है, पर इस बार उन्होंने कुछ अलग सोचा है, अभी वो बता नहीं रहे हैं, पर उनका कहना है कि इस बार कुछ अलग मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। तो मैं भी आप लोगों की तरह देखना चाहता हूँ कि क्या इस बार उन्होंने क्या सोचा है, किस तरह पेश करेंगे। अच्छी बात है और काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि सुजीत तिवारी जी भोजपुरी के संकट मोचन कहे जाते हैं, और इसी तौर पर जो पटना जंक्शन का फिल्म का विमोरत हो रहा है, जो हमारे दिनेश जी हैं और मिताली दिवे जी हैं, मैं माँ मुंबा देवी से दिल से कामना करूँगा कि फिल्म सुपर हिट हो, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। सुजीत तिवारी जी ने जो पहल स्टार्ट किया और रियल में वो संकट मोचन है भोजपुरी के। आज जो सुनकर बोल रहे थे उसका नाम है पटना जंक्शन, और इसके डायरेक्टर हैं संतोष जी, उनके साथ मैंने काफ़ी सारी फिल्में की। तो पटना जंक्शन की सारी बधाई, आज से आपकी शुरुआत हो रही है, और सीपीआई मूवी से जो भी प्रोडक्ट निकला है बहुत अच्छा निकला है, हमेशा ब्लास्ट किया उसने, तो ऑल द बेस्ट सुजीत जी। इसी के साथ में अभी फिलहाल 2 फिल्में आ रही हैं, एक बेटा और एक है मुकामा 0 किलोमीटर। बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, जिसमें से एक फिल्म तो सीपीआई मूवीज की ही है और एक फिल्म आलोक कुमार जी की है, प्रोड्यूसर आलोक कुमार जी। से पहले अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी, और मैं सुजीत जी के वजह से ये पटना जंक्शन के मुहूर्त में आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई जो काफ़ी दिनों से बिछड़े हुए थे, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। और मैं सुजीत जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने संतोष मिश्रा जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन लोग की वजह से इतनी अच्छी फिल्में हमारे भोजपुरी समाज में आ रही है और हमारे भोजपुरी समाज को बढ़ावा मिल रहा है, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। भोजपुरी फिल्मों से लेकर हमारा ट्रेंड अलग है कुछ बनाने का, बाकी लोगों का ट्रेंड अलग है, बड़ा हम लोग हट के पहले से ही बनाते हैं, तो थोड़ा अलगपन होगा, घिसा पिटा कहानी नहीं होगा, जिसे हमारा भोजपुरी का स्तर गिर चुका है, तो हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं। हम लोग की जोड़ी है संतोष जी, सुजीत तिवारी, दिनेश जी, रत्नाकर साहब हमारे, तो हम लोग भोजपुरी को प्रमोट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, अच्छा चीज नहीं आएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग मेहनत करके नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी सोच के अच्छा कमा रिलीज है, और इस साल की सबसे बड़ी बजट की है और अच्छी मेकिंग, अच्छी तरह से सिनेमा बना, कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है, और कंपनी का अंतर होता है सब्जेक्ट को समझ के, क्योंकि हर चीज़ प्रोवाइड किया जाए कि डायरेक्टर कोई तकलीफ ना हो, एक अच्छा सिनेमा बना के लेके आए, तो उसमें दी बेस्ट सीपीआई में सुजीत भैया अपना अच्छा सब्जेक्ट को फिल्म में तब्दील किया, उसके बाद फिर पटना जंक्शन। अच्छा, इसमें जो भैया का सोच है
कि जो थर्ड लेवल की कोई देखे तो ये ना कहे कि हम कोई रेगुलर न्यूज पूरी देख रहे हैं, चाहे उसमें कहीं भी होता ही नहीं बजट को लेकर किसी चीज़ को, जो कोई थॉट एक दिमाग में आया है तो उसको उसी ढंग से बना। एज ए मेकर काफ़ी अच्छे हैं, एज ए म्यूजिक कंपनी मेरे पास ही है, हम लोग ये सारी जो मूवी है हम लोगों ने रिलीज की और ये मकामा के जो है वो आज की तारीख में बहुत बड़ी पिक्चर है और इसके बाद जो है उससे भी बड़ी पिक्चर इन्होंने बना दी और पोजीशन अभी लेने जा रहे हैं सब जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं दोनों मिलकर अच्छा बनाएंगे और मेकर अच्छे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बाहर आते हैं तो इनकी जितनी भी पिक्चरें रहती हैं मैक्सिमम वो हम लोग एक्वायर करते हैं तो पिछले सारे जो हिट पिक्चरें इन्होंने दी हैं अभी कोशिश है कि अभी ये भी पिक्चर बहुत अच्छा करें और उसके बाद हम लोग ही रिलीज करें। अब मिश्रा जी बहुत सुलझे हुए एक डायरेक्टर हैं और ये पूरी टीम जो है दिनेश जी नरपाली जी सब लोग बहुत सुलझे हुए आर्टिस्ट हैं, सुजीत भैया जो है वो अच्छे इंसान है और जैसा कि टाइटल है पटना जंक्शन, टाइटल से ही लग रहा है कि थोड़ा लीक से हट के एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी होगी तो वही है और मुझे थोड़ा लीक से हट के गाने बनाने में बहुत मज़ा आता है। अभी छलका था मेरा गाना, पब्लिक का प्यार मिला, आप लोगों का प्यार मिला तो उससे बढ़ चढ़ के इसमें गाने बनाने का कोशिश करूँगा और अभी एक गाना हमने बनाया भी है तो आप अभी स्टूडियो में सुन सकते हैं अंदर और बाकी आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए। पटना जंक्शन सुनील टाइटल है इस फिल्म का, मैं इस पूरी टीम को, सुजीत जी हमारे बड़े भाई हैं, CBI मूवीज के प्रोड्यूसर हैं, मैं इस पूरी टीम को, दिनेश जी को, अमरपाली जी को डायरेक्टर का, पटना जंक्शन की सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए, ऑल द बेस्ट। पहले तो मैं सुजीत तिवारी और उनकी पूरी टीम को शुभकामना देना चाहूँगा, मालिक करे उनकी ये पिक्चर बहुत ही कामयाब फिल्म बने और क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुकामा फिल्म बनाई है और मुकामा में सेम डायरेक्टर है, सेम टीम है और सब लोग मेरे ख्याल से मोस्टली सब लोग रिपीट हो रहे हैं क्योंकि उसमें भी दिनेश लाल यादव हीरो हैं और आम्रपाली हीरोइन है, बाकी बहुत सारे लोग हैं तो वो 90% लोग इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। बहुत बड़ी हिट है पटना जंक्शन, उसके बाद संतोष मिश्रा जी की कलम, उनकी डायरेक्शन तक क्या कहना है। अभी तो उनकी पिक्चर देखी ना मुकामा, मुकामा 0 किलोमीटर, उसमें हमने दिनेश जी का ही फादर का ही रोल किया, मतलब इतनी बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाई है उन्होंने, सुसर होगा अगले महीने या दूसरे महीने में रिलीज भी होगी। इसका तो टाइटल ही देखिए, पब्लिक एक बार सुनेगी पटना जंक्शन दौड़ बनेगी देखेगी, इसलिए देखेगी कि पट्टा जक्सर है, मार धार तो है ही है लेकिन सब बिहार की कहानी होगी, हर जगह की कहानी भी, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है, हमको कुछ बताया नहीं गया है कि क्या स्टोरी क्या है, बस इतना टाइटल बहुत ही धमाल है पटना जक्सर। अभी सुजीत तिवारी जी वो कंप्रोमाइज करने वाले आदमी नहीं है।